हेलो फ्रेंड, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। टुडे वी विल सी कंटिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल और पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, सिलेंड्रिकल और पोलर कोऑर्डिनेट मतलब उसके जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तीन स्ट्रेट डायरेक्शन रहते हैं, वैसे इसमें दो डायरेक्शन कर्व रहते हैं, इसीलिए उसको सिलेंड्रिकल और पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर? तो अब देखो, हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया ए बी सी डी। ओके, तो इसका एक डायमेंशन कर्व है और बाकी दो स्ट्रेट होंगे, तो ये वाला स्ट्रेट हो गया और एक ना अपना जेड वाला हो गया। इसको अगर हम ऐसे निकालेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये जो हम उसकी थिकनेस ले, ये दिस इज नथिंग बट थिकनेस, ये जो हम थिकनेस कंसिडर करेंगे वो वन कंसिडर करेंगे। ओके, क्लियर? अब ये ए बी ने यहाँ पर थीटा एंगल डी थीटा एंगल सब्सटेंस किया है और उसका जो रेडियस है वो आर है, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी? आर डी थीटा। नाउ दिस बी सी कितना है? डी आर। तो ये यहाँ से सी की रेडियस कितनी होगी? आर प्लस डी आर, तो ये कितना होगा? आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा। समझ में आ गया? ये देखो, ए बी की वैल्यू आर डी थीटा, सी डी की वैल्यू आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा, क्योंकि ये आर प्लस डी आर है। ओके, अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हो गया उसके रेडियस। नाउ सपोज वेलोसिटी ऑफ मास एंटरिंग इनटू दिस एलिमेंट इन आर डायरेक्शन इज यू आर, जिसे हमने यू आर से डिनोट किया है, एंड वेलोसिटी जो टेंजेंशियली आ रही है अलोंग डायरेक्शन डी थीटा वो है यू थीटा। ओके, समझ में आ गया? नाउ ये जो यू आर है, डो यू अपॉन डो आर क्या इंडिकेट करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन आर डायरेक्शन। ओके, अब ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कितने डिस्टेंस तक चेंज हो रही है? इतने, जो जो कितना है, जो है डी आर। तो कितनी वेलोसिटी चेंज होगी फ्रॉम ए बी टू सी डी? ये डो यू आर अपॉन डो आर इंटू डी आर। ओके, मतलब शुरुआत में वेलोसिटी यू आर थी, इतनी चेंज हो गई, तो फाइनल में कितनी रहेगी? ये प्लस ये जो यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली इन टेंजेंशियल डायरेक्शन वेलोसिटी इज यू थीटा। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ यू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज डो यू थीटा अपॉन डो थीटा। अब वो कितने डिस्टेंस के लिए चेंज हो रहा है? इतने थीटा, थीटा डिस्टेंस के लिए। तो वो क्या, वो कितनी वेलोसिटी चेंज होगी? इतने। तो कितनी वेलोसिटी से मास बाहर जाएगा? ये प्लस ये, मतलब जो यहाँ पर लिखा है यू थीटा प्लस डो यू थीटा अपॉन डो थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो अंटिल नाउ हमने सब एलिमेंट को अच्छे से डिफाइन कर लिया है। ए बी की वैल्यू है आर डी थीटा, बी सी की वैल्यू है डी आर, सी डी की वैल्यू है आर प्लस आर इंटू डी थीटा, और फिर से ए डी की वैल्यू है डी आर, इसकी वेलोसिटी है यू आर, इसकी वेलोसिटी है यू थीटा, जो बाहर जा रही वेलोसिटी वो है इतनी अलॉन्ग डायरेक्शन एल आर और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इतनी। ओके, अब हमें निकालना है मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग थ्रू फेस ए बी। ए बी के थ्रू कितना मास बाहर आ रहा है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है रो ए वी। रो की वैल्यू एज इट इज, एरिया कितना है? ए बी इंटू उसका जो थिकनेस है। ओके, तो थिकनेस हमने ए लिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए बी इंटू वन, और वेलोसिटी की है कितनी है? यू आर। ओके, यहाँ पर देखो, रो वेलोसिटी है यू आर और एरिया ए बी इंटू वन। वन क्या है? जो उसका थिकनेस है वो। अब ये कि ए बी की वैल्यू क्या है? आर डी थीटा, वो हमने पुट कर दी। तो मतलब कितना मास ए बी के थ्रू अंदर आ रहा है? रो यू आर डी थीटा। क्लियर? और कितना मास अब सी डी के थ्रू बाहर जाएगा? सेम फार्मूला, रो वेलोसिटी इंटू एरिया। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी थ्रू दिस डिस्टेंस डी आर। ओके, क्लियर? तो ये जो है वो बाहर जाने वाली मास की वेलोसिटी है, और बाहर कौन से फेस से जा रहा है? इधर से आएगा और इधर से बाहर जाएगा, मतलब सी डी के थ्रू बाहर जाएगा। तो सी डी इंटू ये थिकनेस बराबर सी डी इंटू थिकनेस वन। क्लियर? अब इसको हम सी डी की वैल्यू पुट करेंगे आर प्लस आर इंटू डी थीटा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, मतलब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट वी गेट दिस मच,
रो यू आर इंटू आर प्लस यू आर डी आर प्लस आर डो यू आर बाय डो यू आर अपॉन डो आर इंटू डी आर प्लस डो यू आर अपॉन डी आर इंटू डी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब जो हमने डी आर कंसिडर किया है वो बहुत ही स्मॉल है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो और भी स्मॉल होगा, तो हम इस डो आर स्क्वायर की टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल है। क्लियर? तो इसको नेगलेक्ट करने के बाद क्या बचेगा, ये वाला, सिर्फ ये टर्म निकल जाएंगी, ये बाकी वाला एज इट इज। क्यों? क्योंकि डी आर बहुत ही स्मॉल है तो उसका स्क्वायर उससे भी ज़्यादा छोटा होगा। क्लियर? ये हो गया मास लीविंग फेस सी डी और ये हो गया मास एंटरिंग थ्रू फेस ए बी। तो कितना मास उस एलिमेंट के अंदर रहेगा, मास एंटरिंग माइनस मास लीविंग। मास एंटरिंग हमने अभी कैलकुलेट किया है ऊपर, और मास लीविंग थ्रू सी डी वो भी हमने कैलकुलेट किया है, वहाँ पर मैंने उसको लिख दिया। उसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये ब्रैकेट बचेगा माइनस ये वाला। ओके, अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डी आर को कॉमन लिया और ब्रैकेट के बाहर लगा, ठीक है, डी आर ब्रैकेट में आ गया। अब आर भी है, आर को भी हमें बाहर लेना है, आर को भी हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर आर नहीं है तो हम आर से डिवाइड कर देंगे और आर को बाहर ले लेंगे। हमने आर को बाहर ले लिया तो बाहर हो गया आर डी आर इंटू डी थीटा, और अंदर क्या हो गया, माइनस रो यू आर अपॉन आर प्लस डो यू आर अपॉन डो आर। क्लियर? तो ये हो गया नेट मास एक्यूमुलेटेड इन रेडियल डायरेक्शन, उस एलिमेंट के अंदर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन इतना मास एक्यूमुलेट हुआ। अब हमें निकालना है टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल बोले तो इस डायरेक्शन में कितना मास एक्यूमुलेट हो रहा है, तो बीसी के थ्रू कितना आएगा और एडी के थ्रू कितना मास बाहर जाएगा, यह हमें निकालना पड़ेगा। उसका जो डिफरेंस रहेगा उतना मास यहाँ पर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन एक्यूमुलेट होगा। तो हम पहले निकालेंगे गेन ऑफ मास इन थीटा डायरेक्शन, जो बीसी के यहाँ पर आ रहा है, मैं यहाँ पर आपको फिर से निकाल लेता हूँ। ये है ए बी सी डी, एक मिनट, नोटेशन क्या है ऊपर, हाँ ए उधर से। ओके, ए बी सी डी, बी सी के थ्रू अंदर आ रहा है और ए डी के थ्रू बाहर जा रहा है, तो बी सी, ठीक है, तो कितना मास एक्यूमुलेट हो रहा है, मास एंटरिंग थ्रू बी सी माइनस मास लीविंग थ्रू ए डी, मास थ्रू बी सी और मास थ्रू ए डी। क्लियर? अब यहाँ से कितना मास अंदर जाएगा, सिंपल है, रो ए वी, रो एज इट इज, उसकी वेलोसिटी यू थीटा और उसका एरिया है ये डी आर है, डी आर इंटू थिकनेस। ओके, हो गया उसका मास एंटरिंग थ्रू बी सी। अब ये जो इसकी जो वेलोसिटी है वो हमने निकाली है ये वाली, तो कितना मास बाहर जाएगा, रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया, तो इसका ये भी डी आर इंटू वन उसका एरिया है। सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा माइनस रो डो यू थीटा अपॉन थीटा डी थीटा डी आर इंटू वन। क्लियर? तो अल्टीमेटली कितना, अब हमें यहाँ पर डी आर इंटू वन है, हमने डी थीटा बाहर ले लिया तो डी थीटा डी आर इंटू डी थीटा। अब हमारे पास यहाँ पर आर नहीं है, ऊपर हमारे पास आर है, देखो यहाँ पर आर है, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल ये डी थीटा लेने के बाद आर नहीं रहेगा, तो हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर से डिवाइड करेंगे, वही किया यहाँ पर, डी थीटा ब्रैकेट के बाहर आया है। क्लियर? वो क्यों किया वो बाद में समझाऊंगा आपको, सिंप्लीफिकेशन के लिए है। तो ये हो गया गेन ऑफ मास इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, तो टोटल कितना मास गेन किया उस एलिमेंट ने, मास गेन इन रेडियल डायरेक्शन प्लस मास गेन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, मास गेन इन रेडियल डायरेक्शन जो हमने निकाला है ये वाला, हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, और मास गेन इन टेंजेंशियल वो भी एज इट इज लिख दिया हम। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने वाले बाद में करेंगे। तो ये कितना रहेगा, ये मास सिंपली डो एम बाय डो टी इतना। तो डो एम को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है उस बॉडी का, ये आर डी थीटा, ये डी आर। ओके,
तो वो क्या आएगा, आर डी थीटा इंटू डी आर इंटू वन, बराबर। देखो आर डी थीटा इंटू डी आर इंटू वन, क्लियर। तो ये हो गया रो डी आर थीटा इंटू डी आर। अब ये रो जो ऊपर वाला है वो सेम रहेंगे, ये वाला नहीं, सॉरी, ये हमने सिर्फ मास निकाला है, रेट ऑफ मास निकालने का मतलब जो डो एम बाय डो टी निकाल रहे थे, मास में वैल्यू पुट कर दी तो हमें मिलेगा ये वाला, डो रो अपॉन डो टी आर डी थीटा इंटू डी आर, क्लियर। अब ये दोनों मतलब ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम रहेंगे, उसको हमने इक्वेट कर दिया। देखो अब ये, अब देखो ये जो आर डी आर डी थीटा है वो अब सब जगह पर है, अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड किया, समझ में आ रहा है, ताकि हम आर डी आर डी थीटा को कैंसिल कर सके, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अभी ये वाला ब्रैकेट जो एज इट इज लिख गया है, यहाँ पर बचेगा रो डो यू थीटा अपॉन डो थीटा प्लस ये डिनोमीटर वाला आर वो भी लिख दिया, इंटू इक्वल्स टू डो रो अपॉन डो टी, ओके। अब ये जो है ये ब्रैकेट और ये हम इस साइड में भेजेंगे तो प्लस हो जाएंगे वो, और यहाँ पर जीरो रहेगा, वो जीरो यहाँ पर लिखा है, क्लियर। तो ये दोनों गए इधर, तो डो रो अपॉन डो टी प्लस ये वाला इक्वल्स टू जीरो, क्लियर। नाउ दिस इज दी कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर कार्टेशियन और सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फॉर टू डायमेंशनल फ्लो, ओके। अगर ये फ्लो स्टेडी रहा, स्टेडी मीन्स आपको पता है उसकी सब स्टेडी फ्लो में सभी पैरामीटर्स या सभी प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्स्टेंट रहती है, मतलब उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो रहता है। देखो ये चला जाएगा, क्या बचेगा, ये वाले ब्रैकेट इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया स्टेडी फ्लो के लिए पोलर कोऑर्डिनेट का इक्वेशन। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, देखो अगर ये कंप्रेसिबल फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, मतलब रो उसका कांस्टेंट है, तो हम इस रो को कॉमन निकालेंगे, इधर भेज देंगे, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये वाला, क्लियर। इसको हमने और सिंप्लीफाई कर दिया तो हमें मिला ये, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर डिनोमीटर पे आ रहे, यहाँ पर डिनोमीटर पे आ रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर से डिवाइड करेंगे, तो डिनोमीटर में आर सबके पास है, वो कॉमन लेके इधर भेज देंगे, बराबर। अब ये आ रहेगा यू आर, यहाँ पर रहेगा आर आर इंटू ये टर्म जो हमने मल्टीप्लाई किया था, इंटू डो यू थीटा बाय जीरो, ओके। अब इसको देखो, ये टर्म को, ये टर्म क्या है, इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ आर इंटू यू आर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आर इंटू डो यू आर बाय डो आर प्लस यू आर इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू आर, वो वन आएगा। देखो समझ में आ गया, तो ये क्या था, डेरिवेटिव ऑफ आर इंटू यू आर, क्लियर। और ये एज इट इज रख दिया, सो ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन इधर भी है, क्लियर। सो दिस इज नथिंग बट दी कंटिन्यूटी इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेशन फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल, क्लियर। ये कल और आज मैंने जो एक्सप्रेशन लिया है इसमें से एक एक्सप्रेशन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, क्लियर। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेंगे, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग वेलोसिटी कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट अ फिजिकली पॉसिबल फ्लो, यू आर इक्वल्स टू आर साइन थीटा एंड यू थीटा इक्वल्स टू टू आर कॉस थीटा, ओके। अब ये जो वेलोसिटी की कंपोनेंट दिए हैं, हमें उससे पता लगाना है कि ये फ्लो पॉसिबल है क्या, ये फ्लो पॉसिबल कब रहेगा, जो जब वो कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करेगा, ओके। व्हाट इज आवर कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर पोलर कोऑर्डिनेट, ये वाला, ओके, डो आर यू आर अपॉन डो आर प्लस डो यू थीटा अपॉन डो थीटा, मतलब आर यू आर का डेरिवेटिव और यू थीटा का डेरिवेटिव जब जीरो आएगा तब वो फ्लो पॉसिबल है, बराबर। इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, आर यू आर का डेरिवेटिव प्लस यू थीटा का डेरिवेटिव अगर जीरो आया तो फ्लो पॉसिबल है,
हमारे पास ये देखो, हमारे पास यू आर दिया है आर साइन थीटा, हमें आर यू आर चाहिए, तो हम इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर इंटू यू आर क्या होगा, आर इंटू यू आर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ आर यू आर विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, आर स्क्वेयर साइन थीटा का डेरिवेटिव। तो साइन थीटा, थीटा तो कॉन्स्टेंट आएगा, हमें डेरिवेटिव लेना सिर्फ आर स्क्वेयर का। सो डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू आर, टू आर, टू आर इंटू साइन थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ आर यू आर कितना हुआ, टू आर साइन थीटा। सिमिलरली अब हम यू थीटा का भी डेरिवेटिव लेंगे, यू थीटा इक्वल्स टू टू आर कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डो यू थीटा अपॉन डो थीटा इक्वल्स टू टू आर कॉस थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो टू आर बाहर आ गया। कॉस थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, माइनस टू आर साइन थीटा। ओके, अब जो हमने दो डेरिवेटिव लिए उसको हम उसका समेशन करेंगे, वो अगर जीरो आया तो पॉसिबल है, वो अगर जीरो नहीं आया तो पॉसिबल नहीं है। सो डेरिवेटिव ऑफ आर डी आर प्लस यू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ आर यू आर आया था टू आर साइन थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ यू थीटा आया है माइनस टू आर साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर जीरो आया। मतलब दिस कोऑर्डिनेट फॉलोज कंटिन्यूटी इक्वेशन, सो दिस वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट फिजिकली पॉसिबल फ्लो। क्लियर, ये एग्जाम में आ गया है न्यूमेरिकल एक बार। ओके, सो अंटिल नाउ वी फिनिश्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, और इन दोनों में से एक एग्जाम में डेफिनेटली रहेगा, दोनों का लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है, आप एक बार ठीक से पढ़ लो। ओके, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे अगला पार्ट। थैंक यू।